अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं वाइट पुलाव। उसके लिए हमें चाहिए धनिया, सौंफ, तेज़पात के पत्ते, बादियान के पुड़ और एक दालचीनी का टुकड़ा। नमक चाहिएगा 2 मीडियम साइज़ की, प्याज चाहिएंगे और एक लहसुन चाहिएगा। मैंने स्मॉल साइज़ की 2 से 3 ली हैं, 3 ली है मैंने। यखनी रेडी करेंगे, 1 लीटर पानी जाएगा और एक बॉयल अच्छे से देकर फिर हम चिकन ऐड करेंगे। ये देखें, एक अच्छे से बॉईल ले लिया है हमने और फिर हम चिकन ऐड करेंगे। यखनी रेडी हो चुकी है, लहसुन को अलहदा कर लेंगे और बाद में मैश करके इसको डालेंगे हम चाव का मसाला रेडी करने के लिए। जो हमें चाहिए, 6 से 7 प्याज चाहेंगी, 2 टेबल स्पून अजीनोमोटो जाएगा, 2 टेबल स्पून गर्म मसाला जाएगा और 2 टेबल स्पून पुलाव का मसाला जाएगा। दही जाएगा फुल भर कर 1 प्याली, अदरक लहसुन जाएगा, 7 से 8 हरी मिर्चें जाएंगी। गरम मसाले के लिए हमें चाहिए तेज़पात के पत्ते 3 से 4, 7 से 8 लौंग काली मिर्च चाहिएंगे, 5 से 6 हरी इलायची जाएगी, 2 बड़ी इलायची जाएंगी, बादियान के फूल जाएगा 2 जाएंगे और ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा। गरम मसाला मैं लिख भी दूंगी, आप देख भी लीजिएगा। अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को हम पीस लेंगे। यखनी में से जो हमने लहसुन निकाला था उसको हमने मैश कर लिया है और 4 से 5 आलू बखारे जाएंगे। ऑयल ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून भरकर। हम ज़्यादा बना रहे हैं तो अगर आप जितने अपने हिसाब से ऐड करिएगा, जितना आपको ऑयल डालना हो जितना आप बनाएंगे। प्याज ऐड करेंगे, ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज, ब्राउन हो गई है, हाफ निकाल लेंगे और हाफ रहने देंगे। साबुत गरम मसाला जाएगा, के बाद 1 मिनट बाद अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो जाएगा। मिक्स करेंगे, 2 टेबल स्पून वाइट पुलाव का मसाला जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना वैसे भी बहुत मज़े की बनेगी। नेशनल का लिया था हमने, गरम मसाला जाएगा 2 टेबल स्पून, लहसुन का जो हमने मैश कर लिया था वो जाएगा, अजीनोमोटो 2 टेबल स्पून, आलू बखारे जाएंगे 4 से 5, दही जाएगा फुल भरकर 1 प्याली, दस से 15 मिनट बाद हम चिकन ऐड करेंगे इसमें। यखनी जाएगी, जितने भी है उसको हम छान लेंगे और फिर ऐड करेंगे यखनी को। चावल जाएंगे, मैंने 1.5 किलो चावल लिए थे तो आप लोग भी 1.5 किलो ही चिकन जाएगी और 1.5 किलो ही चावल। 1 घंटा मैंने चावल को भिगो दिया था।
नमक डालेंगे, 4 से 5 हरी मिर्चें जाएंगी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बना था। पुलाव का पानी जब ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको दम लगा देंगे। पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। पुदीना डालेंगे। चावल हमने चेक कर लिए थे, अच्छे से गल गए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। कुछ ही मसालों से बहुत अच्छा पुलाव रेडी हो जाता है। अब मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, होप यू लाइक इट माई वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।